हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये मैट बनाया है। इस मैट को आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है, सिर्फ कार्डबोर्ड और वूलन की हेल्प से बनाया है। तो मैंने यहाँ पर इसमें चार कलर यूज किए हैं, आप दो तीन कोई भी कलर यूज कर सकते हैं और एक कलर से भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के कार्डबोर्ड से बहुत ही सुंदर सा डोरमैट बनाएंगे। इसे आप मैट, डोरमैट कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से टेबल मैट कुछ भी बोल सकते हैं, बड़े आसान तरीके से बना लेंगे। अगर आपको बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इस कार्डबोर्ड को बड़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर आधा आधा इंची के गैप में ये कट लगा लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 मैंने इस साइड में लगाए हैं, तो 9 मैंने इस साइड में लगाए हैं, यानी कि दोनों साइड में हमें बराबर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने यहाँ पर 8 लगाए हैं, तो इस साइड में भी मैंने 8 लगाए हैं, 9 9 मैंने इस साइड में लगाए हैं और 8 8 मैंने इस साइड में लगाए हैं। आपको जैसे भी लगाने हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब हम इस पर अपनी बुलन को रैप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चार कलर लिए हैं, क्योंकि ये वेस्ट पड़े हुए थे, मेरे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही कम सी बुलन है इसमें। तो अब हम यहाँ पर टेप लगा लेंगे एक साइड में और इस तरह से हम इसे रैप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 बार रैप कर लेंगे इसे, 4 से 5 बार। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरीके से 5 बार रैप कर लिया है। अब हम सेकंड रो में जाएंगे, तो इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से यहाँ तक रैप करना है। यहाँ पर आपको जिस तरीके से मेरे यहाँ पर एक साइड में 9 है और एक साइड में 8 है, या तो हमारे 10 होने चाहिए या फिर 9 होने चाहिए या 6 होने चाहिए या फिर 4 होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए, यानी कि 2 के टेबल में आने चाहिए हमारे जो। तो यहाँ पर 5 बार मैंने रैप कर लिया। अब हम दूसरी रो में जाएंगे, तो यहाँ से रैप कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने बुलन को रैप कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा बुलन है उसे हम कट कर देंगे, सिर्फ हमें इतनी ही बुलन की ज़रूरत है इसमें। तो यहाँ पर 5 से 6 बार मैंने रैप कर लिया है। अब हम फिर से टेप लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम दूसरा कलर लेंगे, तो आप कोई भी कलर अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसी टेप में इसको भी चिपका लेंगे। जिस तरह से मैंने इस साइड में रेप किया है, उसी तरीके से हमें इस साइड में रेप करना है। तो इस तरह से रैप कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से रैप कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम रेड कलर को जिस तरह से हमने ग्रीन को किया है उस तरह से कर लेंगे। फिर हम वाइट को जिस तरह से ब्लू को कर रहे हैं उसके ऊपर कर लेंगे। तो ये देखिए, ब्लू को भी मैंने रैप कर लिया है। अब हम रेड को कर लेंगे। जिस तरह से हमने ग्रीन को रैप किया था उसी तरीके से अब हम पीछे की साइड में पहले इसे लगा लेंगे, चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हमने जिस तरह से ग्रीन को किया है उसी तरीके से हम रेड को कर लेते हैं। आप इसमें काफी सारे कलरों का यूज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर 4 कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि 2 कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए, और मैं यहाँ पर 4 का कर रही हूँ, आप 2 का 1 का कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं रेड को भी इस तरीके से इस पर रैप कर लेती हूँ। तो जितना हमने इसे किया है उतना ही मैंने इसे कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे इस तरीके से। तो इसे भी मैं रैप कर लेती हूँ ग्रीन की तरह। अब मैं ऑफ वाइट लूंगी, उसे मैं ब्लू की तरह रैप कर लूंगी इस तरीके से। तो मैं इनको रैप कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे रैप कर लिया है यहाँ पर। तो अब हम इसमें नॉट करेंगे। तो अब हम कोई भी कलर की एक बुलन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर रेड कलर की बुलन ले रही हूँ, इस तरह से रेड कलर की बुलन ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लेंगे सेफ्टी पिन, इसमें हम इस तरीके से इसे फंसा लेंगे। अब हम यहाँ पर जितनी भी हमने बुलन को रैप किया है यानी कि 4 परतें लगाई हैं इस पर इस तरीके से, तो चारों परतों को हमें इस तरीके से पकड़ना है। और इस तरीके से इस पर नॉट कर देना, तो टाइटली नॉट करना है, टाइट खींचते हुए। एक नॉट हो गया। अब हमें इसमें क्रॉस में नॉट करना है, तो एक नॉट इस तरीके से लगाएंगे इधर से। अब हम यहाँ पर दूसरा नॉट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 नॉट हो गए। अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुलन है उसे कट कर देंगे इस तरह से। और इसी तरीके के हमें इसमें सारे में नॉट करने हैं, पूरी पूरी बुलन को लेते हुए करना है। तो इस तरह से मैंने नॉट लगा लिया है। इसी तरीके से हमें सभी में नॉट करना है। देखिए जिस तरीके से मैंने ये नॉट लगाए हुए हैं इस तरह से, इसी तरीके से मैं हम सारे में नॉट कर लेंगे। पहले यहाँ तक रो को ख़त्म करेंगे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहाँ तक। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे नॉट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ तक नॉट लगा ली हैं। और इसी तरीके से हमें सारी नॉट लगानी है, इस तरह से पकड़ लेंगे जिससे ये धागा एक भी ना रह जाए नीचे की साइड में, इस तरीके से पकड़ते हुए। अच्छे से नॉट करना है जिससे ये खुले ना, और क्रॉस में नॉट लगाना है। तो एक हमने इस तरीके से लगा लिया है, तो एक नॉट हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी में नॉट कर लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो पहले हम इसे निकाल लेंगे। जो पीछे टेप लगे हुए हैं उनको भी हम निकाल देंगे इस तरह से। एक साइड से निकलने के बाद ये लूज हो जाता है और आराम से ये निकल जाता है। ये देखिए कितने ही आसानी से निकल रहा है। तो ये देखिए इस साइड से ये इस तरह से दिख रहा है और इस साइड से ये इस तरीके से दिख रहा है। कितना ही प्यारा लग रहा है इस तरीके से। तो अब हम इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेते हैं। Thank you.
तो ये देखिए चारों तरफ से कटिंग हो गई है। अब हम इसके बीच से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी मैंने कटिंग कर ली है, तो रेड वाले भी कट कर लिए हैं और वाइट वाले भी कट कर लिए हैं। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। और इस तरह से आप किसी भी टेबल पर या फिर किसी भी जगह पर आप इसे डालेंगे, थालपोस के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसे आप दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, इस साइड से भी यूज कर सकते हैं और इस साइड से भी यूज कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपने देखा हुआ सिर्फ एक कार्डबोर्ड की हेल्प से और बुलन की हेल्प से आज हमने कितना ही सुंदर सा ये मैट बना लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।